नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और हम पढ़ रहे हैं बीएससी की पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में मैंने डिफरेंस बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। फटाफट से रिवाइज करेंगे पुराना। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था? इसका रूल है i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1। और इसमें क्या है, i क्रॉस j इक्वल टू क्या होगा, k, और ये जो चलता है वो लूप में चलता है। जैसे कि ये है i j हो गया, k हो गया, i j के साथ आएगा, j k के और k i के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा j क्रॉस k इक्वल टू क्या आएगा, i, और k क्रॉस i इक्वल टू क्या आएगा, j। इस तरह से आएगा ये। और इसमें क्या होता है, इसमें i डॉट j इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है, और इसमें i क्रॉस j इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब ये बेसिक इसके एप्लीकेशंस हैं, देखते हैं इनका यूज कैसे होगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के, और क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना रहेगा। एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में। कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब लेते हैं तो इनका कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि ए बी कॉस थीटा। ये रहा वेक्टर, ये थीटा एंगल रहा, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जिसमें कि कॉस आ जाएगा। और यहाँ पे जो लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनका लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, यानी कि ए बी साइन थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन दिखाते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी कंपोनेंट की, तो वो इसके परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर इस तरह से होता है, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर ये इस तरह से होगा, जिसको हम एन कैप से शो कर देते हैं डायरेक्शन इसकी। ये बेसिक सी चीज थी जो कि हम देख चुके हैं, इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। ये डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखना कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, इसी पे बेस्ड हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। ये वेक्टर ए ले लिया हमने और ये ले लिया वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेंगे सबसे पहले हम, और सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम कि हमें करना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हम देख ही चुके हैं अभी, ये कहाँ से आता है, ये हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर ये आएगा। इसके लिए हम ए बी साइन थीटा लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर में हमेशा साइन लिया जाता है, तो साइन थीटा एन कैप हो जाएगा हमारा। और जो एंगल बन रहा होगा हमारा वो कहाँ से बन रहा होगा, वो इस तरह से कहीं बन रहा होगा, थीटा, थीटा बन रहा होगा। इसका जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे इस तरह से, तो वो हमारा
ए बी साइन थीटा एन कैप आ जाएगा, डायरेक्शन उसकी एन कैप दर्शाएगा। आइए अब इसमें देखते हैं कि दो राशियों का क्रॉस गुणनफल जो होता है उसकी दिशा एन कैप से दर्शाते हैं और वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम बना के हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींच लेंगे, वेक्टर बी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली, इसको हमने क्या किया एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, पैरेलल लाइन खींच ली, समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ए क्रॉस बी में क्या होता है, एन कैप जो होता है वह वेक्टर ए बा वेक्टर बी के लंबवत होता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है, और पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्शन भी बताई थी इसकी कैसे देखी जाती है, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन जो देखते हैं वो राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ये राइट हैंड है और ये स्क्रू रूल है, यानी कि डायरेक्शन ये आएगी, यानी कि एक वेक्टर ए की तरफ से वेक्टर बी की तरफ कैसी डायरेक्शन लेते हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये राइट हैंड का स्क्रू रूल है, इससे हम डायरेक्शन देखते हैं। दोनों का सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। दूसरी चीज इसमें क्या है, डायरेक्शन हमने निकाली ली, अगर हम डायरेक्शन को इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम अगर लिखते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्शन उलट जाएगी, यानी कि साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसी वजह से हमारा अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस ए, तो माइनस का बी ए साइन थीटा एन कैप आ जाएगा हमारा, या फिर इसको बी ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम ए बी या बी ए लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये सेकंड वाले पॉइंट का हमने व्याख्यान किया है कि बी क्रॉस ए जो है वो माइनस का बी ए साइन थीटा एन कैप, या बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू माइनस का ए बी साइन थीटा एन कैप, दोनों लिख सकते हैं बी ए या ए बी, लेकिन इसको जब हम उलटेंगे, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तब साइन चेंज हो जाएगा, वहां पे चेंज करने पे साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे मेन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में तब साइन चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है इससे ये पता लगता है कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, इट्स नॉट ऑब ए कम्यूटेटिव लॉ। पॉइंट वन क्या कहता है, इट्स नॉट ऑब ए कम्यूटेटिव लॉ, और सेकंड में क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी कि बी क्रॉस ए इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इट्स नॉट ऑब ए कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड क्या है इसका एप्लीकेशन, ये ओबे करता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या
यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है ये, इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का तो पालन करता है बट कम्यूटेटिव का नहीं करता है। जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए क्रॉस, यानी कि ए की इस बार एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर का सी। तो ये इसका तो पालन करता है बट इसका जो है, क्योंकि वहां पे साइन चेंज हो जा रहे हैं, वो इक्वल नहीं है, ये प्लस का है वो माइनस का, बट ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आगे, यदि दो सदिश राशियां एक दूसरे के समांतर हों, दो सदिश राशियां एक दूसरे के, इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दो सदिश राशियां एक दूसरे के समांतर कैसे, जैसे कि ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री। दोनों के बीच एंगल इस कंडीशन में क्या हो गया, जीरो डिग्री। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, वेक्टर का ए क्रॉस वेक्टर का बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे हम, थीटा की जगह हम लिखेंगे जीरो डिग्री और एन कैप, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री के टेबल से है, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, ट्रिगोनोमेट्री में टेबल होता है, वहां से लर्न करनी पड़ती है। आगे हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, अब दोनों पैरेलल, सॉरी दोनों पैरेलल हैं, अब दोनों क्या हैं, सेकंड में क्या करेंगे, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा कि वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वी साइन 90 डिग्री एन कैप, क्योंकि साइन जीरो का जीरो होता है वैल्यू, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो वन हो जाता है। तो इससे हम देखेंगे कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए वी कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू वन होती है, वैसे ही वो दिशा डायरेक्शन दर्शाने के लिए यूज होता है दोनों की, तो उसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यूनिट वेक्टर के तौर पे ले तो हम उसे, लेकिन लिख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी एन कैप, ये हमारा सेकेंड इसका आ गया। अब देखते हैं हम कि एकांक सदिश के लिए ये कैसे यूज होता है, एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर के लिए यूज फॉर यूनिट वेक्टर्स, क्या आई जे कैप और के कैप, तो इसका यूज देखेंगे हम यूनिट वेक्टर्स के लिए। यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और एक हमारा क्या था डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर एन कैप।
तो इनके लिए हम देखेंगे ये कैसे, वो हम देख भी चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आएगा हमारा, के आ जाएगा, वही है हमारा राउंड रूल। ये जो है इस तरह से चलता है, जे और के, के से फिर आई, आई जे आ गया, जे के साथ के का लेंगे हम, जे क्रॉस के इक्वल टू बचा क्या, आई आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, के से लेंगे, के क्रॉस वेक्टर आई, वो सॉरी यूनिट वेक्टर आई, और उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, यूनिट वेक्टर जे। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम इनका उलट लेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का के हो जाएगा। अगर हम आई क्रॉस जे को, जे क्रॉस आई, वो कैसे हो जाएगा माइनस का, हम पिछली वाली स्लाइड में देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, ये वाला लॉ रहा वो, जब हम आई क्रॉस जे का जे क्रॉस आई करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यही वाला रूल है जो वहां पे अप्लाई हुआ था, यानी कि अगर हम इसको करेंगे यूनिट वेक्टर जे क्रॉस आई तो किस में आ जाएगा, माइनस का के, ये माइनस में आ जाएगा इसका आंसर। या फिर हम ये करेंगे यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये जो है माइनस में आ जाएगा। तो ये दोनों एप्लीकेशंस जो है ये यूज होती हैं इसमें पूरे में, ऑल ओवर। जब हम इसका अपोजिट लेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तब ये माइनस में आ जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तब भी माइनस में आ जाएगा, जे आई क्रॉस के करेंगे तब भी माइनस में आ जाएगा। जब हम इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं तो आंसर किस में आ जाता है, माइनस में, क्योंकि ये किसका पालन नहीं करता है, हमने पढ़ा था ये किसका पालन नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ का, क्रम चेंज करने का पालन नहीं करता है। तो ये जो गुण है ये क्या है, एकांक सदिश का गुण है इसका, ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम कर देंगे इसको के क्रॉस जे, तो किस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, जे क्रॉस की। ऐसे ही हम करेंगे इसमें लास्ट वाले में आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का के क्रॉस आई, माइनस का के क्रॉस के क्रॉस आई हो जाएगा, वो यहां पर लिख नहीं पा रहे, माइनस का के क्रॉस आई हो जाएगा। तो ये जो है इसका अपोजिट करने पर माइनस में हो जा रहा है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी सब एक ही तरह से होगा, ये पूरा एक ही रूल लगता है इसमें, जब ये उलट जाएंगे माइनस में आता चला जाएगा। आगे हम देखेंगे कि सदिश राशियों को लंबवत घटकों में वियोजित किया जाए तो क्या होगा। सदिश राशियों का लंबवत घटकों में वियोजन, लंबवत घटकों में वियोजन, सदिश राशि हमारी क्या है, वेक्टर ए था एक तो हमारा, और वेक्टर ए हमारा किस में होता है, तीनों डायरेक्शन में होता है, थ्री डायमेंशनल में, ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का ए बाई और प्लस का ए जेड, और इनके साथ क्या लगा होता है, आई जे के यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर आई, इसकी डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर जे, और इसकी डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर के। सेम ऐसे ही वेक्टर बी के लिए थ्री डायमेंशनल में लेंगे, ये आ जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। तो ये क्या है हमारे, ये हमारी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं
इनको हम देखेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वही रूल है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, और ये साइन कैसे चलता है? अल्टरनेटिव साइन चलता है। कैसा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलता है, अल्टरनेटिव साइन चलता है। बहुत ही इजी है ये, आई जे के क्रम से लिख लेंगे, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं हम? नीचे दोनों के जैसे ये लिखे हुए हैं तो दोनों का क्रॉस मल्टीपल लेते जाते हैं। आई वाले में आई वाला छुपा लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जे वाले में जे के नीचे लिखा जाएगा, जे वाला छुपा लेंगे, उन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो सबसे पहले तो इनके नीचे लिख लेते हैं, आई के नीचे कितना लिखेंगे? ए एक्स और बी एक्स, और जे के नीचे ए वाई बी वाई, के नीचे क्या आएगा हमारा? ए जेड, क्योंकि के साथ क्या है? ए जेड है, और के साथ बी जेड है, बी जेड। तो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनती है। प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ही इजी है बनाना इसका, और आई के साथ आई वाले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ए एक्स बी एक्स, जे के साथ जे वाले मैग्नीट्यूड ले लिए, ए वाई बी वाई, के साथ के वाले ले लिए, के जेड ए जेड बी जेड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे था दोस्तों ए एक्स और बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आई कैप और अंदर मल्टीपल करेंगे, तो आई वाला हम छुपा लेंगे, बाकी इन दोनों का करेंगे, इसका इससे और फिर इसका इससे करेंगे, और बीच में साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यानी कि ए वाई मल्टीपल कितना आ जाएगा? बी जेड, और माइनस का कितना आ जाएगा? ये जो है ए वाई बी जेड हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा? ए जेड बी वाई, माइनस का ए जेड बी वाई आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे ही करते जाएंगे, ए जेड बी वाई। साइन ऊपर दे ही रखे हैं, पहले प्लस का लगाते हैं फिर माइनस का लगाते हैं। अब जे वाली लाइन को हम छुपा लेंगे, जे वाली लाइन को हम छुपा लेंगे, और हमारे पास क्या बचा? एक ये वाली लाइन बची और एक ये, तो ए एक्स का बी जेड के साथ करेंगे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, माइनस का आ जाएगा हमारा कितना? बी एक्स ए जेड, बी एक्स मल्टीपल ए जेड। प्लस का के साथ लेंगे, कितना आएगा? के साथ के वाली लाइन छुपा लेंगे, ए एक्स का बी वाई के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और माइनस का बी एक्स का ए वाई के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ये आ गया हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जब इनकी वैल्यू दे रखी होगी तो उसके साथ इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी वैल्यू नहीं दे रखी है तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई माइनस का जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स ए जेड
प्लस का k कैप ax by माइनस का ax bx और ay, ये आ गया। तो ये हमारा इसका आ गया, क्या आ गया, लंबवत घटकों में वियोजन, सदिश राशियों का लंबवत घटकों में वियोजन हो गया। बहुत इजी है ये, वेक्टर फॉर्म बनाना अगर सीख गए तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं जल्दी से। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस देख लेंगे हम किसके, क्रॉस प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ए पैरेलल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेंगे हम। तो इसमें वही बनाएंगे हम जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, इसके हमने समांतर एक लाइन खींच ली और इसके समांतर एक लाइन खींच ली, ये हमने एंगल थीटा मान लिया। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारी इसकी कौन सी लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। या फिर हम इसको चाहें तो हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन है ये, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री वाली। और ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, वो परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो दोनों का जो एक ये वाली, ये वाली लाइन होगी, इस लाइन को अब चूंकि ऐसे तो बना नहीं सकते तो हम ऐसे करके बना देते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, जिसकी डायरेक्शन कौन सो करेगा, एन कैप परपेंडिकुलर की, इसकी परपेंडिकुलर की एन कैप डायरेक्शन शो कर देगा। और ये हमारा क्या हो गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आ गया, इसका वेक्टर बी का वेक्टर ए का रिजल्टेंट ए क्रॉस बी आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम कोई भी इनको नाम दे दे रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, ये पॉइंट हो गए हमारे पी क्यू आर एस टी, हमने इनको मान लिया। तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हो जाएगा पी क्यू, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा पी क्यू, समांतर चतुर्भुज हमारा ये बन गया पी पी एस, ये वाली लाइन हो जाएगी पी एस, पी एस। और कितना आ जाएगा पी एस डॉट, कितना आ जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर क्यू टी, पी एस डॉट क्यू टी, पी एस डॉट क्यू टी हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। अब चूंकि पी एस जो है हमारा वो कितना है वेक्टर ए, और वेक्टर ए का क्या लेंगे मोड, और क्यू टी जो है क्यू टी, क्यू टी हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी आर एस, ये है एस से आर तक वेक्टर बी। और जब हम इसका लंबवत कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, कितना हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा वेक्टर ए है। तो परपेंड बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल है,
बी साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये क्यू टी की जगह कितना आ जाएगा, और यही क्या बनेगा हमारा, यही क्या है हमारा क्यू, और यहाँ पे क्या है हमारा टी, यानी कि क्यू टी इक्वल टू बी साइन थीटा। तो क्यू टी, तो क्यू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा बी साइन थीटा। क्यू टी की जगह आ जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा क्यू टी की जगह आ गया, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बी साइन थीटा, आ गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के एरिया में इसको एप्लीकेशन का यूज किस तरह है, इस तरह से है, बहुत ही इजी है ये। तो ये हो गया हमारा। इसी प्रकार हम किसका एंगल निकाल लेंगे, किसका एरिया निकाल लेंगे, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का भी देख लेते हैं हम इसी में से। ट्राइंगल का जो एरिया होगा कौन सा ट्राइंगल, पी एस आर, कौन सा ट्राइंगल, पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर का एरिया देख लेते हैं। ट्राइंगल पी एस आर का, पी एस आर का एरिया, तो ट्राइंगल पी एस आर कितना था, ये हमारा पॉइंट पी था, और ये हमारा पॉइंट कितना था, एस था, और ये वेक्टर बी था, और ये वेक्टर ए था, और ये हम ऐसे डाल देंगे, तो पी एस आर ये हमारा एयर था कंपोनेंट। तो पी एस आर का कहाँ से, यहीं से लिया है हमने ये ट्राइंगल। तो कितना आ जाएगा इसका, पी एस आर ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ वेक्टर का ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा, दोनों किस में आएंगे, ये मोड में आएंगे, ये आ जाएगा हमारा एरिया इसका इस डायग्राम से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे हम, लॉ ऑफ साइंस, ज्या का नियम, लॉ ऑफ साइंस ज्या का नियम। सेकंड एप्लीकेशन हमारा क्या है इसका, ही ज्या का नियम हो गया। ज्या का नियम में क्या होगा हमारा, हमने वेक्टर ए ले लिया और हमने क्या लिया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी ले लिया हमने, हमने क्या लिया इनका रिजल्टेंट, सी ले लिया, दोनों को ऐड करा तो कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए इक्वल टू, फर्स्ट लेक्चर में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ कि कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को, कितना हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको रिलेटेंट मानोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको मानोगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको मानोगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको क्यों नहीं लिया, इसको किसी को भी ले सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या करेंगे, दोनों और हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बी, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी क्रॉस बी, वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस का आ जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा क्रॉस में, वेक्टर बी, इसका हम मल्टीपल कर देंगे, बी का बी के साथ हो जाएगा बी क्रॉस बी, प्लस का सी का हो जाएगा सी क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो, किस फॉर्म से,
आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो होता है तो आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है, जीरो, क्योंकि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू जी सॉरी वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू जीरो तो हमारा क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो प्लस का सी क्रॉस बी, जीरो प्लस का सी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा तो यही हो जाएगा हमारा जैक का नियम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, दोनों का हम क्या लेंगे, दोनों का हम मोड ले लेंगे, ए बी साइन ए कॉमा बी, सी बी साइन सी कॉमा बी, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन ए कॉमा बी इक्वल टू इसको सी बी को नीचे ले लेंगे और ए बी को इसके नीचे भेज देंगे कैंची गुणा करके सी बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ज्या का नियम, ये हो जाएगा हमारा ज्या का नियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, B से B हमारा कैंसिल आउट हो गया तो खाली C और B बचा, क्योंकि यहां से B कट जाएगा, साइन ए बी अपॉन सी इक्वल टू साइन सी बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ज्या का त्रिभुज के ज्या का नियम, इसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज के ज्या का नियम, ये क्लियर हुआ, त्रिभुज के ज्या का नियम इसी को कहते हैं। आगे देखेंगे हम इसका थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन आएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम भी देखेंगे, पहले टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क को हम टो से करते हैं, वेक्टर टो इक्वल टू एफ इंटू आर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है, किसमें लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, क्योंकि डायरेक्शन के सापेक्ष में हम फोर्स को लेते हैं, तो डायरेक्शन के सापेक्ष में फोर्स को लेते हैं, इसलिए हम किसको लेंगे सबसे पहले, वेक्टर आर को, और क्रॉस किसके साथ लेंगे, वेक्टर एफ के। अब वेक्टर आर यहाँ पे क्या है, आर क्या है, आर अगर मान लो हमने एकांक वेक्टर ले लिया, एकांक वेक्टर ले लिया हमने आर, तो आर हमने क्या ले लिया, एकांक वेक्टर, वैसे तो वेक्टर आर डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, बट यहां पे क्या लेंगे हम, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन लेंगे हम, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन आर कैप लेंगे हम। ठीक है, तो आर कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, और एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड इन आर डायरेक्शन, और टी क्या है यहाँ पे, टॉर्क, टॉर्क हो गया, तो ये टॉर्क के फॉर्म में इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आर एफ इक्वल टू दे रखा होगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड,
आर के फॉर्म में दे रखा होगा, आर एक्स आर वाई आर जेड के फॉर्म में, तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे इसी तरह से हम। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या होता है? कोणीय संवेग। एंगुलर मतलब कोणीय हो गया, मोमेंटम संवेग। तो ये कोणीय संवेग देखेंगे हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको कैसे लिखते हैं हम? पी इक्वल टू एम बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेखीय संवेग लेंगे इसको लिखने के लिए। क्या किससे डिनोट करेंगे सबसे पहले हम इसको? रेखीय संवेग। इधर कर लेते हैं, चूंकि रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है? पी इक्वल टू एम बी। कितना होता है? पी इक्वल टू एम बी। यहाँ पे क्या है? पी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? किसी बिंदु रेखीय संवेग का, किसी बिंदु जिसका सदिश स्थिति आर वेक्टर है के परिता कोणीय संवेग लेंगे। पी का आर के परिता कोणीय संवेग। कोणीय संवेग देखेंगे कितना हो जाएगा? कोणीय संवेग इसका जे इक्वल टू आर क्रॉस पी। जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर क्रॉस पी। वेक्टर जे इक्वल टू आर क्रॉस पी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है? वेक्टर जे इक्वल टू क्या है? ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। और पी क्या हो गया हमारा? रेखीय। और आर क्या हो गया हमारा? स्थिति सदिश। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।